हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, जब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया में 5G का बड़ा धमाका हुआ है दोस्तों, ना केवल वोडाफोन आइडिया में परंतु भारत की सभी टेलीकॉम कंपनियां से उसमें एक 5G का बड़ा धमाका हुआ है। क्या खबर है, क्या यहाँ पे भारत सरकार ने डिसीजन लिया है, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। मैं आपको यही बता सकता हूँ कि जिस बात का यहाँ पे सभी कंपनियों को इंतजार था, वही बात यहाँ पे आज होकर के आई है, जिसके चलते आप देखें तो सभी की सभी टेलीकॉम कंपनियां, यहाँ पे बात करूँ भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और दूसरी दो कंपनी है उसमें तो गजब तेजी थी, रिलायंस और यहाँ पे MTNL में बढ़िया तेजी का माहौल दिखाई दे रहा था। तो खबर ही इतनी बढ़िया है पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए, जिसके चलते आज हमें पूरे सेक्टर में भारी तेजी का माहौल देखने को मिला। तो खबर को तो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे, इससे पहले यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन भी आपको डिस्कशन करना चाहूंगा और यहाँ पे साथ ही साथ इसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल टारगेट रह सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। NSE वेबसाइट पे लेके आया हूँ, यहाँ पे देखिए वोडाफोन आइडिया मैंने सर्च करके रखा है, 8 पे 70 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई है, 25 पैसे ऊपर 3% की तेजी, हाई यहाँ पे 9 रुपये 10 पैसे का, लो 8 रुपये 45 पैसे का। क्वांटिटी की बात करें, ट्रेडिंग थी तो यहाँ पे 19,72,70,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें तो 7,90,77,000 शेयर की डिलीवरी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखें तो 40% से भी ज़्यादा का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो धमाकेदार कारोबार यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में नजर आ रहा है। अभी जो दो खबरें हैं उसके बारे में डायरेक्टली आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बड़ी खबर यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखें 5G ट्रायल टू बिगन, सेंट्रल लोकेट स्पेक्ट्रम टू जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया एंड MTNL, चाइनीज टेक नॉट अलाउड। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि 5G ट्रायल का, जैसे कि सभी कंपनियां बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कभी सरकार उनको यहाँ पे अलाउ करे, तो यहाँ पे DOT मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने यहाँ पे 5G ट्रायल को मंजूरी दे दी है और सभी को स्पेक्ट्रम भी अलोकेट किए हैं। चार कंपनियों का बेसिकली ये किया गया है, रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और MTNL, और इन चारों में आज बढ़िया तेजी का माहौल बना हुआ था। पूरी न्यूज पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं पढ़ना चाहूंगा, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम मतलब कि DOT हैज एलोकेटेड स्पेक्ट्रम टू टेलीकॉम ऑपरेटर टू स्टार्ट 5G ट्रायल इन द कंट्री शॉर्ट सेट। जैसे मैंने बताया, द ट्रायल विल बी कंडक्टेड अ वेरियस लोकेशन, मतलब कि ट्रायल अलग अलग सिटीज में कंडक्ट किया जाएगा, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, यहाँ पे गुजरात, हरियाणा और अलग अलग राज्यों में यहाँ पे ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल के लिए जो स्पेक्ट्रम एलोकेट किए गए हैं वो यहाँ पे स्पेक्ट्रम 7 MHz बैंड्स, 3.3 to 3.6 GHz, और यहाँ पे और एक ब्रांड है 24.25 से लेकर 28.5 GHz का ब्रांड यहाँ पे अलग अलग कंपनियों को दिया गया है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि मई 4 को यहाँ पे DAT ने जो ये अप्रूव किया था एप्लीकेशन, वो अप्रूव रिलायंस जियो का किया था, भारतीय एयरटेल का किया था, वोडाफोन आइडिया और MTNL का किया था, परंतु एक शर्त भी रखी थी कि चाइनीज कोई भी कंपनी का यहाँ पे इक्विपमेंट ना यूज़ किया जाए 5G ट्रायल के लिए। तो वही है कि यहाँ पे चाइनीज़ वेंडरों को नहीं यूज़ किया गया है, नहीं इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे जो 5G ट्रायल के लिए जिसका अप्रूवल मिला है उसमें यहाँ पे इरेक्शन की बात करें या तो फिर नोकिया, सैमसंग, CDOT या तो फिर एडिशनल और है, और रिलायंस जियो तो आपका खुद का उनका टेक्नोलॉजी 5G के लिए यूज़ करने वाली है। तो इसी खबर के चलते आज टेलीकॉम कंपनियों में बड़ी आग लगती हुई दिखाई दे रही थी। वोडाफोन आइडिया भी एक समय पे 5% के आसपास का तेज था और यहाँ पे इसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आया, परंतु रिलायंस जियो और MTNL की खास करके बात करी जाए तो उसमें भारी तेजी का माहौल बना हुआ था। यहाँ पे 5G ट्रायल अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे तो आपको जो डाउनलोड स्पीड अभी 4G में मिल रही है उससे 10 टाइम हायर यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड मिलेगी और यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते कस्टमरों को एक अलग ही टेक्नोलॉजी का एहसास होगा। यहाँ पे और भी बताया जा रहा है कि अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है वो इस 5G ट्रायल में टेस्टेड की जाएगी, जो कि सभी कंपनियों को करना होगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ट्रायल के लिए 6 महीने दिए गए हैं, जिसमें से 2 महीने यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट का है और सेटिंग का है इक्विपमेंट का, उस वो भी आ गया है, मतलब कि 2 महीने है और ट्रायल के लिए 4 महीने, कुल मिलाकर के 6 महीने यहाँ पे दिए गए हैं DOT के द्वारा सभी टेलीकॉम कंपनियों को। और एक शर्त है दोस्तों इसमें कि यहाँ पे जो ट्रायल करना है वो रूरल एरिया में भी करना फर्जियात है, सेबी अर्बन एरिया में और अर्बन एरिया में करेंगे, ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी सिटी में ही यहाँ पे 5G ट्रायल
कंडक्ट होगा, सभी जगह पे सभी कंपनियों को 5G का ट्रायल कंडक्ट करना होगा, ऐसा DoT की तरफ से स्पेसिफिक मेंशन किया गया है। मुझे लगता है अगर 5G का ट्रायल सक्सेसफुल सभी कंपनियों का हो जाता है, परंतु यहाँ पे हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, कि वोडाफोन आइडिया का स्पेशली हो जाता है तो वोडाफोन आइडिया आपको रॉकेट बनता हुआ बिल्कुल नजर आ सकता है। दूसरी खबर है जो कि यहाँ पे बात करें कि ओपन सिग्नल का रिपोर्ट आया है, जिसमें अपलोडिंग स्पीड और वीडियो कॉलिंग की जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज़्यादा लोगों ने किसको रेटिंग दी है, मतलब कि अपलोडिंग स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी रही है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया की सबसे ज़्यादा रही है, रेटिंग 4.5 आउट ऑफ द 5। और यहाँ पे वीडियो कॉलिंग की भी बात करें तो उसमें भी वोडाफोन आइडिया सबकी जगह आगे है, 59 का दिखाई दे रहा है 100 पॉइंट में से। तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि वोडाफोन आइडिया की जो सर्विस है उससे यहाँ पे उसके कस्टमर अभी हैप्पी दिखाई दे रही है, तो आगे जाकर के जो सब्सक्राइबर चर्न का प्रॉब्लम हो रहा था, सब्सक्राइबर लूजिंग का, वो हमें हो सकता है शायद ना दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पे रेटिंग से तो ऐसा ही मालूम पड़ रहा है कि अभी जो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है वोडाफोन आइडिया से। सीधा मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा, अगले के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से अहम लेवल होंगे और कौन से अहम सपोर्ट होंगे, रेजिस्टेंस होंगे, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सब की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको हवरली कैंडल में कन्वर्ट करना चाहूंगा ताकि मैं आपको अच्छे से इनको बता सकूं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि सभी लेवल जो मैंने आइडेंटिफाई करके रखे हैं उसके बारे में आपको बता सकूँ। बढ़िया एक बेज बना हुआ 8 रुपये के आसपास, और यहाँ पे 8 रुपये 50 पैसे के आसपास भी आज बढ़िया तेजी का माहौल रहा। मुझे लगता है ये अभी 8 रुपये 50 पैसे के आसपास का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, खास करके मैं बात करूँ 8 रुपये 35 पैसे के आसपास का लेवल, तो यहाँ पे आता तो फ्रेश बाइंग करी जा सकती है। ऊपर 8 रुपये 65 पैसे एक सपोर्ट जोन है, वहाँ पे ही आज सपोर्ट लिया है, तो देखना होगा कि ये सपोर्ट टिक पाता है कि नहीं। अगर ऊपर जाएगा तो 9 रुपये से लेके 9 रुपये 10 पैसे का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, उसको बिल्कुल क्लियर करना होगा। यहाँ पे देखिए एक बार उसने रेजिस्टेंस टच किया, यहाँ पे दूसरी बार और यहाँ पे तीसरी बार, मुझे लगता है अगर फोर्थ टाइम अटेम्प करेगा तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये रेजिस्टेंस टूटे। उसके बाद 9 रुपये 50 पैसे और 9 रुपये 95 पैसे के रूप में लेवल अगले वीक में हमें दिखाई दे सकते हैं। नीचे 8 रुपये 35 पैसे टूटा तो 8 रुपये से लेके 8 रुपये 5 पैसे का जोन है, वहाँ पे हमें बिल्कुल मेजर सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटा तो दिक्कत आएगी, पर मुझे नहीं लगता कि ये सपोर्ट आपको टूटता हुआ दिखाई देगा। फिर भी मैं चाहूँगा दोस्तों आप अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैंने जीरोधा की लिंक दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर डीमेट अकाउंट ही ओपन नहीं किया तो आप यहाँ पे मेरी लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। RSI का लेवल यहाँ पे हाउली टाइम फ्रेम पे 51 का दिखाई दे रहा है, तो फ्लैट है, ऊपर की तरफ से थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।